साहब लहजा किया पैगर बुला लेंगे। अरे अब तो बोल दो किया पैगर बुला लेंगे आप गए बुला लेंगे या खुदा मदीने में आप गए बुला लेंगे आप अगर बुला लेंगे या खुदा मदीने में आप गए बुला लेंगे दाइश बेदार हो जाए कि आप अगर बुला लेंगे आप अगर बुला लेंगे आप अगर बुला लेंगे या खुदा मदीने में या खुदा मदीने उम्र भर करूंगा मैं अरे नौकरी मदीने में उम्र भर करूंगा मैं नौकरी मदीने में आप अगर बुला लेंगे के हवाले एक शेर करता हूँ लिहाजा फरमाए कि अपने घर की चौखट को फिर न मुड़ के देखूंगा के अपने घर की चौखट को फिर न मुड़ के देखूंगा अपने घर की चौखट को अपने घर की चौखट को अपने घर की चौखट को फिर न मुड़ के देखूंगा फिर न मुड़ के देखूंगा क्या या खुदा अता कर दे या खुदा अता कर दे झोपड़ी मदीने में बहुत उमदा भाई फारूक दिलकश साहब जिंदाबाद जिंदाबाद बहुत उमदा भाई शुक्रिया। एक आखिरी शेर मैं पढ़ता हूँ नेमतुल्ला भाई ये सिर्फ आपके लिए पढ़ता हूँ अता करे भाई निजामत के हवाले ये शेर और आपकी जिम्मेदारी बनती है एक बार मचल के बोल दे सुभान अल्लाह धीरे आवाज में बोल दीजिए सुभान अल्लाह थोड़ा सा तेज बोल दो सुभान अल्लाह माशाल्लाह पूरा रख दीजिए तैयारी क्या करें आ जाए भाई खुल्ला जिनको लेना यहाँ से आके ले जाए थोड़ा आने जाने का माहौल बनाए कि चाहत का लोबान यहाँ पे जलता है नजरों का आसेब यहाँ पे टलता है चाहत का लोबान यहाँ पे जलता है नजरों का आसेब यहाँ पे टलता है जिनको खुल्ला लेना है जल्दी ले ले कट्टा फट्टा नोट यहीं पे चलता है तो ये क्या बात है कट्टा फट्टा साहब ये ऐसी निजामत में जब हम लोग पढ़ते हैं तो कसम खुदा की और जी लगता है कि बस ये खड़े रहे पढ़ते रहे जाने का मन नहीं करता है इसलिए क्यों इस निजामत में सौतेलापन नहीं है हर शायर को ये बंदा नवाजता है एक बार इनके नाम पे कह दीजिए सुभान अल्लाह कि कितना हसीन मौसम अब देखिए कितना हसीन सही को डाल दीजिए भाई थोड़ा सही को डाल कितना हसीन मौसम मैं यही पढ़ता रहूंगा जब तक आप सुभान अल्लाह नहीं करेंगे कह दीजिए सुभान अल्लाह कि कितना हसीन मौसम कितना हसीन मौसम कितना हसीन मौसम कितना प्यारा मंजर
कितना हसीन मौसम कितना प्यारा मंजर कितना हसीन मौसम कितना प्यारा मंजर कितना प्यारा मौसम गए कितना प्यारा मौसम गए और नूर की हो बौछार क्या दिखला दे गमे ए मौला आका का कसी दरबार दिखला रे तकबीर लग रहा है कि कब्रिस्तान में नारा लगा रहा हूँ महसूस होने चाहिए हिंदुस्तान में फारूक भाई वो मऊ वाला नारा लगाए थोड़ा सा अपने अंदाज में तो मुझे क्या गारंटी बेदार हो जाएंगे क्या गारंटी है कि बेदार हो जाएंगे बेदार होंगे ये लोग आप लगा अच्छा आप गारंटी लग रहे हैं हम गारंटी ले हमारे सीतामढ़ी के लोग चलिए भाई एक नाजिम की और एक शायर की इज्जत दांव पे है जमशेद भाई नारे तकबीर नारे तकबीर उलमाए किराम शोराए किराम नारे तकबीर माशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे आपको क्या भाई वाह वाह बहुत उम्दा दिखला दे गमे ऐ मौला अच्छा जो उधर मेरे भाई खड़े हैं ऐसा लग रहा है कि एक दो शायर को सुनेंगे और दौड़ के उधर अपने घर भाग जाएंगे लोग सुनने के बाद आप लोग अगर करीब आना चाहते हैं तो करीब आ जाइए अगर नहीं आना चाहते तो वहीं से बुलंद आवाज में बोल दीजिए सुभान अल्लाह कि दिखला दे गमे ऐ मौला आका का कसी दरबार कितने लोग मदीना जाना चाहते हैं हाथ उठा के बताए अल्लाह सबकी मुरादें पूरी फरमाए कह दीजिए सुभान अल्लाह कि वो शेर नबी है कितना हसीन वो शेर नबी है कितना हसीन दीवारों दे और उसकी जमीन उसे देख के जो भी आए उसे देख के जो भी आए फिर उसको कुछ ना भाए उसे देख के जो भी आए फिर उसको कुछ ना भाए रोजे की सुनगिरी जाली रोजे की सुनगिरी जाली है जाली कितनी निराली है जाली कितनी निराली उस प्यारी प्यारी जाली में उस प्यारी प्यारी जाली में उस प्यारी प्यारी जाली में रहते गए सरकार दिखला दे गमे ऐ मौला आका का कसी दरबार वाह भाई फारूक दिलकश साहब क्या कहने भाई वाह वाह वसीदा गजी दरबार अच्छा है उलमा इकराम की मौजूदगी और ये आखिरी बंद पेश करता हूँ सारे आलम के मुसलमानों को उस पाक सरजमीन की ज़ियारत नसीब फरमाए पूरे डाइस के हवाले से ये आखिरी बंद मुलाहिज़ा फरमाए दिखला दे गमे ऐ मौला आका का गजी दरबार कि एक रोज वहाँ हम जाएंगे एक रोज वहाँ हम जाएंगे किस्मत अपनी चमकाएंगे किस्मत अपनी चमकाएंगे ऐ बाद सबा तू अदब से चल ऐ बाद सबा तू अदब से चल इतरा के न चल और नहीं मचल इतरा के न चल और नहीं मचल शगरों में सबसे आला शगरों में सबसे आला वो तय बन गए निराला वो तय बन गए निराला आका के दरबार पे जाओ आका के
दरबार पे जाओ, आका के दरबार पे जाओ, या रब मैं सौ बार देखा देगा मैं ऐ मौला आका का दरबार। जिंदाबाद जिंदाबाद। अब पटरी पे आ गए भाई, माशाल्लाह वाह, अब पटरी पे आ रही है जी, पटरी पे आ चुकी है गाड़ी, बढ़िया माशाल्लाह, मजमा वापस आ रहा है, अल्लाह सलामत रखे आपको। कह दीजिए सुभान अल्लाह, कि दिखला दे गमे मौला का दरबार।